मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक ऑनलाइन क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 8। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 6 वर्ल्ड वाइड इंटरनेट डिस्कस कर रहे थे। आज इसी टॉप चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। टुडे इस टॉपिक इंटरनेट एड्रेस। आज का टॉपिक है इंटरनेट एड्रेस। तो एन इंटरनेट एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ नोड ऑन द इंटरनेट। एक इंटरनेट एड्रेस इंटरनेट पर किसी नोड को अधिकृत रूप से पहचान करती है। इंटरनेट एड्रेस में ऑल्सो रेफर टू द नेम और आईपी ऑफ ए वेबसाइट। इंटरनेट एड्रेस किसी वेबसाइट यानी यूआरएल के आईपी या नेम भी हो सकता है। द टर्म इंटरनेट एड्रेस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट समवंस ईमेल एड्रेस। द टर्म इंटरनेट एड्रेस किसी ईमेल एड्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। यूआरएल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहलाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड इट इंडिकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज। और यह इंडिकेट करता है कि प्रोटोकॉल का क्या यूज है। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड अ रिसोर्स नेम। और इसका सेकंड पार्ट होता है उसको हम लोग रिसोर्स नेम कहते हैं। एंड इट स्पेसिफाइज द आईपी एड्रेस और द डोमेन नेम। और इसका आईपी एड्रेस का एक विशिष्ट पहचान होती है या फिर उसका डोमेन नेम होता है। वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड, जहाँ पे रिसोर्स लोकेटेड रहता है, जहाँ से कोई भी इंटरनेट को हम लोग सर्च करते हैं उसका डोमेन नेम भी होता है। जैसे gmail.com, yahoo.com, orkut.com, ये सब क्या है, डोमेन नेम है जो जो रिसोर्स को लोकेट करता है। ओके, द प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड द रिसोर्स नेम आर सेपरेटेड बाय ए कॉलन एंड 2 forward slash। प्रोटोकॉल जो आइडेंटिफायर होता है और इसका रिसोर्स नेम, ये कॉलन के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है या फिर 2 forward slash होता है, 2 forward slash के द्वारा रिसोर्सेज और प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर को सेपरेट किया जाता है उसी के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन। यानी सर्च इंजन के इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी साइट को लोकेट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कैसे लोकेट किया जाता है। वी कैन लोकेट साइट्स ऑन द इंटरनेट यूजिंग सर्च इंजन। हम लोग सर्च इंजन का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर किसी भी साइट्स को लोकेट कर सकते हैं। देयर आर मेनी सर्च इंजन्स अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट टू सर्च इंफॉर्मेशन एंड साइट्स। यानी पूरे इंटरनेट पर अनेक कई सर्च इंजन्स अवेलेबल होता है जिसमें हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को साइट्स के द्वारा सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इसका फॉलोइंग स्टेप्स होता है जो किसी सर्च इंजन के इस्तेमाल से अपने साइट्स को लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं इसके स्टेप्स को। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू लोकेट साइट यूजिंग सर्च इंजन। फर्स्ट इसका स्टेप है ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले तो हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। किसी भी साइट को सर्च इंजन में लोकेट करना है तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप ओपन एनी सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर किसी भी सर्च इंजन को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल गूगल, याहू, जीमेल, ओके, ऑरकुट एक्सेट्रा। थर्ड स्टेप है टाइप अ सर्चिंग वर्ड इन द सर्च बॉक्स। अब हम लोग उस वर्ड को टाइप करेंगे जिस वर्ड को सर्च करना है, तो सर्च बॉक्स में उस वर्ड को टाइप करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप प्रेस द इंटर की। फिर क्या करेंगे, इंटर की को प्रेस करेंगे। ए लॉट ऑफ वेबसाइट लिंक्स विल अपीयर अकॉर्डिंग टू योर सर्च। फिर क्या होगा, आप जिस टॉपिक पर आप सर्च किए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सर्च के अनुसार उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक वेबसाइट का लिंक अपीयर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ स्टेप है जस्ट स्क्रॉल डाउन टू सी
ऑल द रिजल्ट्स एंड क्लिक द लिंक ऑफ योर इंटरेस्ट। और फिर तुरंत स्क्रॉल डाउन के द्वारा आप उसको रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। और फिर जिस तरह का आपको लिंक चाहिए, जिसमें आपको ओपन करना है, किसी टॉपिक्स को सर्च करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड लिंक पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओके। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका उस टॉपिक का पूरा विकिपीडिया यानी पूरा उसका डिटेल्स आपको वेब ब्राउज़र में वेब पेजेस के फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग किसी भी साइट को हम लोग सर्च इंजन के हेल्प से इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका सर्च इंजन है। कोई भी साइट को लोकेट करना रहता है तो हम लोग इसी में हम लोग अपना साइट का एड्रेस को हम लोग इनपुट करते हैं। और फिर यहाँ से इसके बाद जब हम लोग यहाँ इनपुट कर लेते हैं तो यहाँ पे रहता है सर्च, ओके। यहाँ पे हम लोग सर्च ऑप्शन में क्लिक करते हैं या फिर इंटर प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद फिर आपका लिंक खुलता है उस टॉपिक से, उस वेबसाइट के टॉपिक से रिलेटेड, ओके। और ये जो रहा आपका, देखिए ये आपका लिंक स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का आपका लिंक लेना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका लिंक यहाँ पर सर्च कर रहा है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये आपका लिंक है, ये एक लिंक है, ठीक है, ये आपका लिंक है, ये लिंक है, तो इस तरह के कई तरह का लिंक आएगा। तो जिस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, जिस चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन सर्च करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में हम लोग को क्या होगा, डिटेल्स आपका वेब पेजेस के फॉर्म में वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्च इंजन के हेल्प से हम लोग किसी टॉपिक्स को इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया और लेसन सिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट, थैंकिंग यू, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ नोट्स पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं लेसन सिक्स का क्वेश्चन आंसर का, ओके।